जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने शनिवार को मोहद्देपुर स्थित रामगढ़ ताल में गिरने वाले गोड़धुइया नाले का नगर निगम के अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया, जिसके संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि बरसात शुरू होने से पहले बरसात की जो जल निकासी की परंपरागत परंपरा है, जिसको देखते हुए रामगढ़ ताल में गोड़धुइया नाले की सफाई करवाया जा रहा है, जिसके लिए 250 से ज्यादा कर्मचारी लगाए गए हैं और 16 से ज्यादा मशीन लगाई गई है, जिसका नगर आयुक्त के साथ निरीक्षण किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रयास है कि इस बरसात में शहर में जलभराव ना होने पाए और लोगों को जलभराव की समस्या से राहत मिले, जिसके लिए अभियान चलाकर सभी नालों की सफाई करवाया जा रहा है और नाले पर हुए अतिक्रमण को चिन्हित करके खाली करवाया जाएगा। इस अवसर पर नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह, नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मुकेश रस्तोगी सहित अन्य नगर निगम के अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, बरसात के शुरू होने के पहले हमारे जो मुख्य जल निकासी की व्यवस्था जो परंपरागत है गौरधुले नाले की, उसकी सफाई की कार्रवाई नगर निगम द्वारा लगाई गई है और यहाँ पे 250 से ज़्यादा कर्मचारी लगाए गए हैं, 16 से ज़्यादा मशीनें लगाई गई हैं, मिशन मोड पे काम हो रहा है। उसका निरीक्षण करने के लिए मैं और नगर आयुक्त साहब आज आए हुए थे, पूरी टीम यहाँ उपलब्ध है। हम लगातार अनुश्रवण करेंगे, सुनिश्चित करेंगे कि इस बार जल भराव की समस्या से लोगों को राहत मिले और नाले के जो नेचुरल फ्लो है ग्रेडियंट को मेंटेन करते हुए हम लोग सफाई करवा दें, सिल्ट निकलवा दें और उसकी निकासी सुनिश्चित करा दें। सभी अतिक्रमण को चिन्हित किया जा रहा है, उसमें प्रवर्तन किया जाएगा और अतिक्रमण मुक्त नाले को अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा।